हाय गाइस, तो आज का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आज जो हम कैलकुलेशंस देखने वाले हैं वो एक बार में दिमाग में सेट हो जाने वाली है। सेट होनी भी चाहिए बिकॉज यही कैलकुलेशंस आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो भी अपन लिख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, इंटरनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रोटेशनल भी आ जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशनल भी आ जाती है। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल अगर अपन लिखेंगे यू, तो क्या लिखेंगे, 1/2 हाफ छोटा एम, छोटा एम मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू F/2 इंटू KT, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, F/2 इंटू KT फॉर एम मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, अगर टोटल मास एम है तो हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब ये एम मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एन इंटू एन नॉट इंटू छोटा एम इंटू के इंटू टी। ठीक है भाई, क्यों, यहाँ यही होना था ना, F/2 KT, KT की जगह अपन ने मास कैपिटल एम ले लिया तो वो कन्वर्ट होकर एन इंटू एम नॉट इंटू एम इंटू KT बन गया। तो अब ये एन नॉट इंटू के जो है उसको अपन लिख सकते हैं आर, क्या लिख सकते हैं आर। पहले भी बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, आर अपॉन एन नॉट, तो उसको चेंज करके लिखा तो F/2 nRT। तो ये आ गई अपनी क्या, इंटरनल एनर्जी फॉर एम मास ऑफ गैस, दैट इज F/2 1/2 mRm इंटू vRm का स्क्वायर, दैट इज F/2 इंटू PV, दैट इज F/2 इंटू nRT। अभी PV कहाँ से आया, एन इंटू आर इंटू टी, आइडियल गैस का इक्वेशन याद होगा तो पी इंटू वी इक्वल्स टू nRT होता है, तो यहाँ nRT लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करके अपन PV भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, लिख दिया। तो यहाँ देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अभी काइनेटिक एनर्जी को अपन ने लिखा था 3/2 इंटू पी इंटू वी, वी से डिवाइड कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, वो कितनी आ गई, 3/2 इंटू पी प्रेशर। ऐसे ही मोलर काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा तो काइनेटिक एनर्जी को मोल से डिवाइड करूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, तो वो बन गया F/2, एन से एन कट गया एंड आर इंटू टी, तो मोलर काइनेटिक एनर्जी आ गया F/2 आर इंटू टी। अब हम कर रहे हैं बड़ा ही मजेदार इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ CP एंड CV। अभी CP CV क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही और आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो गैस को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए क्या है, कितनी हीट लगेगी। एंड सेम वे अगर आप प्रेशर कॉन्स्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है तो टेम्परेचर राइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन नहीं हो, कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही है तो इसका मतलब चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में। ठीक है भाई, तो डेल्टा के ई विच इज इक्वल टू डेल्टा यू विच इज इक्वल टू F/2 इंटू एन इंटू आर इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, लेकिन वो हीट प्रोवाइडेड क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एन इंटू CV इंटू डेल्टा टी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, मोलर स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो डेल्टा यू इक्वल टू F/2 एन आर डेल्टा टी होता है, विच इज एन CV डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी को मार दिया, एन ने एन को मार दिया, CV इक्वल टू आ गया F/2 R, क्या आ गया F/2 R। अभी इस पर ध्यान मत दो, यहां तक ध्यान दो CV इक्वल टू F/2 R। अब आ जाओ मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या, मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखते हैं तो सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आता है, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ती है और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो जो वर्क डन हो रहा है, जब आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो वर्क डन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि आपको वर्क डन भी कराना है और आपको टेम्परेचर भी चेंज करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, मान लिया हमने बात। तो उन्होंने क्या बोला कि वो अगर आप निकालोगे तो CP-CV इक्वल्स टू आर आएगा, क्या आएगा, CP-CV इज इक्वल्स टू आर। वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में जब वर्क डन निकाल रहे होंगे, जब लिख रहे होंगे, तो अपन इसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। तो CP-CV इज इक्वल टू आर, तो CP इज इक्वल टू आर प्लस CV विच इज F/2 R, यहाँ लिखा है अपन, तो आर प्लस F/2 R इज आर इंटू 1 प्लस F/2। ठीक है, हो गया भाई, मेयर फॉर्मूला आ गया, CP की वैल्यू आ गई आर इंटू 1 प्लस F/2, तो CP इक्वल टू 1/1 प्लस F/2 इंटू आर। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो गामा, याद है वॉल्यूम ऑफ साउंड इन अ गैस मीडियम अपन ने निकाला था, उसमें गामा लिखा था, पॉइजन्स रेशियो वही।
पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, क्योंकि सी पी हमेशा बड़ा होता है सी वी से. तो गामा सी पी बाई सी वी विच इज आर इंटू वन प्लस एफ बाई टू डिवाइडेड बाई आर इंटू एफ बाई टू. तो आंसर क्या आएगा, टू बाई एफ प्लस वन. इंपॉर्टेंट है, गामा इज इक्वल टू टू बाई एफ प्लस वन. तो वहां से अगर निकालोगे तो सी वी की वैल्यू आएगी आर अपॉन गामा माइनस वन. तो सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन भी होता है, या फिर एफ बाई टू आर भी होता है. ऐसे ही सी पी इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर. इंपॉर्टेंट है, देख लो, याद रख लो, लिख लो, ठीक है. तो अब अगर मोनोएटॉमिक के लिए निकालेंगे तो मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तीन. तो सी वी क्या आ गया, एफ बाई टू आर मतलब थ्री बाई टू आर. सी पी क्या हो गया, वन प्लस एफ बाई टू आर मतलब फाइव बाई टू आर. गामा क्या हो गया, फाइव बाई थ्री विच इज 1.67. डायटॉमिक के लिए निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ पाँच. सी पी सी वी इज इक्वल टू फाइव बाई टू आर. सी पी इज इक्वल टू सेवन बाई टू आर. गामा इज इक्वल टू सेवन बाई फाइव 1.4. ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर के लिए निकालोगे सी वी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, छः. सी वी इक्वल टू थ्री बाई थ्री आर. सी पी इक्वल टू फोर आर. गामा इक्वल टू फोर बाई थ्री दैट इज 1.33. ट्राइटॉमिक लीनियर कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेवन. तो सी वी इक्वल टू सेवन बाई टू आर. सी पी इक्वल टू नाइन बाई टू आर. गामा इक्वल टू नाइन बाई सेवन दैट इज 1.28. एंड इट कंटिन्यूस. तो आज हमने देखा कि सी पी सी वी का कैलकुलेशन कैसे होता है. अगर एक गैस की बात करें तो गैस का जो स्पेसिफिक हीट है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जीरो से इन्फिनिटी तक. अब वो कैसे जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू ले सकता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गैस कैसे जीरो से इन्फिनिटी तक कोई सी भी वैल्यू ले सकता है गैस का सी मतलब स्पेसिफिक हीट. ठीक है, बाकी ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वो याद होने चाहिए. ठीक है.